जहां सिंगरौली पुलिस कप्तान रियाज इकबाल की सारी मेहनत बेकार जाती दिख रही है। जी हां, सीधी जिले से 45 किलोमीटर दूर सीधी सिंगरौली बॉर्डर पर स्थित भूमि का रेत खदान पर 5 पोकलैंड मशीन को अवैध उत्खनन करते पाया गया था, जिसमें मशीन सिंगरौली जिले भागकर सीधी जिले में आकर खड़ी हो गई, जहाँ जिले के मड़वास पुलिस कार्रवाई की बात करने की कह रही है। पर इसकी हकीकत क्या है, ये आप अपने टीवी स्क्रीन के सामने देखिए। जहां एक तरफ मड़वास पुलिस मशीन जब्ती कर खनिज विभाग को सौंपने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वहीं जब्त की गई मशीनें फिर से अवैध रेत उत्खनन करते पाई गई है। जी हां, जब हमारी टीम रात में 3 बजे पड़ताल करने निकली तो पांचों जब्त की हुई मशीन रात में गोपत नदी का सीना चीरकर अवैध तरीके से रेत उत्खनन करते पाई गई है। यह आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से मशीनें अवैध उत्खनन करने में लगी हैं, जबकि सीधी की मड़वास पुलिस इन्हीं मशीनों की जब्ती कर खनिज विभाग को सौंपने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें ऐसे ही लीपापोती चलेगी या मशीनों पर कार्रवाई होगी।